प्लेयर्स का कुछ का मानना ये है कि ये बड़ी अच्छी है, कुछ का ये भी कह रहा है कि हमें कम पैसों में भी इधर लिया जाता है, तो आप इसको एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं? हम लोग यहाँ पे आए हैं ऑनेस्टली बताऊँ कि कश्मीर लीग के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिले। लास्ट ईयर दो प्लेयर्स मिले हैं, इस सीजन टू में हों 4 से 5 प्लेयर्स मिले, इससे अच्छा क्या। ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है और जो लोकेशन है, जो व्यू है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। सीज़न टू हो रहा है और पूरा क्रेडिट देना चाहिए पूरी मैनेजमेंट को, आरिफ मलिक साहब को, जैसे उन्होंने एफर्ट की है और जैसे फ्रेंचाइज ने पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा साइन है। कश्मीर आपको पता है कि हमारे दिलों में है और बड़ा पीसली मैसेज गया था लास्ट ईयर, बड़ी ज़बरदस्त लीग गई थी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी हुई थी और मेरे ख्याल से इससे अच्छा मैसेज आ नहीं सकता कश्मीर की तरफ से। अच्छा कामी भाई, सबसे बड़ा चीज़ जो है इसमें PSL के गेम से एक ऐसा ब्रांड हमारा खड़ा हुआ है पैरेलल, प्लेयर्स का कुछ का मानना ये है कि ये बड़ी अच्छी है, कुछ का ये भी कहना है कि हमें कम पैसों में भी इधर लिया जाता है, तो आप इसको एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं? देखिए, एज ए प्लेयर्स को मैं देख रहा हूँ, डेफिनेटली फाइनेंशियली बड़ा मैटर करता है हर एक स्पोर्ट्समैन पे, हर एथलीट पे, लेकिन जो खेलना चाहता है, जो भी एक लीग की डिमांड जो है, जो उन्होंने प्राइज रखी हुई है, अगर उसमें कोई आता है खेलने तो आए, लेकिन हर किसी का अपना डिसीजन है। लेकिन मेन जो हमारे लिए है कि खेलना बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए तो प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है, पार्टिसिपेट करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तानी जितने प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिनको NOC मिली हुई है, वो ज़रूर खेल लें, बाकी जो फाइनेंशियली मैटर है वो बातचीत करने से हल हो सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं ऑनेस्टली बताऊँ कि कश्मीर लीग के लिए और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करें, सीज़न टू भी उतना ही अच्छा जाए जितना अच्छा लास्ट ईयर गया, जो गलतियाँ हुई हैं वो रिपीट ना हो और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर हो, प्लेयर्स आए सारे खेलें, तो यही एक एम है। और नई टीम भी है मेरे लिए बाग स्टैलियन, मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, कोच सीजन कोच है अब्दुलरहमान इजाज अहमद, हमारे जो ओनर है उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अली सारे जितने भी हैं बड़ी एफर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए और अच्छी क्रिकेट। अच्छा, आप जलमी के साथ भी हैं और इधर आप KPL में भी हैं, तो आपका उनकी मैनेजमेंट से भी बात होती होगी और काफ़ी ज़्यादा कंसर्न, एक जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं PSL के, उनको काफ़ी कंसर्न है कि हमारा जो लीग है उसको डेंट हो रही है, तो आप क्योंकि मैनेजमेंट के भी काफ़ी करीब है, उधर काफ़ी सालों से जलमी का पार्ट है, इधर भी है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि PCB ने तो NOC दिया हुआ है, तो तभी लड़के जा रहे हैं सारे। देखिए, ये सारा PCB के अंडर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर है और ये पूरा मेरे ख्याल से PCB की मशावरत के साथ शुरू हो रही है, उनकी NOC की वजह से शुरू हो रही है। मेन मकसद मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजों को इतना इशू नहीं है, सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए और कश्मीर के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिले। लास्ट ईयर 2 प्लेयर्स मिले हैं, इस सीज़न 2 में हों 4 से 5 प्लेयर्स मिले, इससे अच्छा क्या है। और मेरे ख्याल से सबका एम है, बाकी जो भी इशू है वो PCB और फ्रेंचाइज का है। इसके बारे में बताएं, कैसा स्टेडियम है, आपने दुनिया के बड़े अच्छे से स्टेडियम में खेले हैं, मुजफ्फराबाद स्टेडियम को कहाँ पर रेट करते हैं? ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है और जो लोकेशन है, जो व्यू है, वो बड़ा ज़बरदस्त है और जब इंटरनेशनली प्लेयर्स आएंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ पे इंजॉय करेंगे, पहले आए तो सही वहाँ पे, वो देखे तो सही, इस लीग के थ्रू मैसेज जा रहा है और मज़ा भी आता है। और सबसे बड़ी बात है जो विकेटें रियाज ने बनाई थी लास्ट ईयर, बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी, ऐसे ग्राउंड मैन हमारे पास है जो विकेटें बना सकते हैं, हम बाहर से बुला रहे हैं तो ऐसे बंदों की खिदमत क्यों नहीं हम लोग लेते, ऐसे बंदों को क्यों नहीं हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारी विकेटें बेहतर बना सके। हर टाइप की विकेट, जैसे T20 है, वनडे है, उस हिसाब से विकेट बनाई है उसने, बड़ा एक्सपीरियंस है उसका, तो उसको यूज़ क्यों नहीं करते हम लोग, बाहर इतना पैसा लगाते हैं। क्राउड के बारे में, क्राउड इतना ज़्यादा था कि लोगों ने पहाड़ों के ऊपर बैठ के वो ही बड़ी देखा के बारे में। देखिए, अभी मेरे ख्याल से स्टेडियम एक्सटेंड तो हुआ नहीं है, जब फाइनल होगा, मैचेस होंगे, हाउसफुल होगा, तो उधर ही बैठना पड़ेगा उनको, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखने आए हैं, सपोर्ट करने आए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई।